हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिंग लॉजी में। तो गाइस, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर किसी नए एक्टर को काम चाहिए तो उसको क्या करना होगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको काम चाहिए तो आपको अपने ढेर सारे वीडियोस बनाने होंगे और वो वीडियोस कास्टिंग डायरेक्टर को व्हाट्सएप कर देना है या तो मेल कर देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई थी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि हम कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुँचें कैसे, हमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी कैसे मिले। तो गाइस, ये बहुत सिंपल है। आज के टाइम में सारे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं। आपको करना क्या है, बस इंस्टाग्राम पे जाना है, उसको ओपन करना और सर्च के ऑप्शन में केवल कास्टिंग टाइप करना है। तो वहाँ जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं सीरियल से आ जाएंगे, आपको सबको फॉलो कर लेना है। सबसे पहला ये काम करना है, फिर उनको प्रॉपर फॉलो करते रहना है और देखते रहना है कब क्या रिक्वायरमेंट ये पोस्ट कर रहे हैं। जब भी आपके एज ग्रुप में आपके लाइक रिक्वायरमेंट आ रही है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी मेंशन करते हैं। तो वहाँ से आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही सिंपल है। तो जैसे ही मिल जाता है आपको तुरंत उनको प्रोफाइल भेज देना है। तो ठीक है, इतना भी काम आप लोग कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी आ रही है कि सर हम अपना प्रोफाइल तो भेज देते हैं लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। और ये होता है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है। तो उसका रीज़न ये बता देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, क्यों आपकी प्रोफाइल जो भी आप भेजते हो उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता है। होता क्या, कई बार आप अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाते नहीं, तो उनको लगता है यार ये अनप्रोफेशनल है और ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है, अनट्रेंड एक्टर हो, कुछ भी भेज दिया, आप सेल्फी वगैरह भेज देते हो फोटो पे। मैंने आपको एक वीडियो पहले ही बताया था कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, उसको जाइए और उसको देख लीजिए। ये भी बताया कि अपने वीडियोज़ कैसे बनाने हैं, वो भी जाके देख लीजिए। इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है वो भी जाके देख लीजिए। अब बात आती है, सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर रिप्लाई नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर से मैंने बात की है, उन्होंने बोला कि भाई हम एक पोस्ट करते हैं, एक मैसेज डालते हैं रिक्वायरमेंट का इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप स्टोरी पे, जहाँ भी डालते हैं, तो वो पोस्ट वायरल हो जाता है, रिक्वायरमेंट ग्रुप्स पे चला जाता है और इस एक रिक्वायरमेंट के लिए ढेरों प्रोफाइल्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा है कि एक रिक्वायरमेंट के लिए हज़ारों ऑप्शन आ जाते हैं, उनके पास ढेर सारे एक्टर्स होते हैं। लेकिन एक्टर्स के लिए काफ़ी असमंजस भरा होता है कि उनको काम कैसे मिलेगा जब इतना सारा क्राउड है। तो गाइस, जब भी आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो वो क्या करते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, सबको सॉरी कहाँ तक बोलेंगे कि यार आपका नहीं हुआ। और आप लोग क्या करते हैं, उनको मैसेज करते रहते हैं, हाय सर, हेलो सर, कैसे हैं सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैंने आपको नंबर दे दिया कि ये लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स को व्हाट्सएप कर दो। तो जनरली आप लोगों ने उनको प्रोफाइल भेज दिया बिना रिक्वायरमेंट के, तो वो लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हाँ भाई ये एक्टर का प्रोफाइल अच्छा, और रख लेते हैं। भले आपको उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो सेलेक्ट ना करें, लेकिन वो इन फ्यूचर की एक्टर अच्छा है, इसको आगे किसी प्रोजेक्ट में हम इसको डालेंगे अपना। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं कि यार मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, इनके पास इतना ही टाइम है और जब रिस्पॉन्स ही नहीं करना है तो अरे यार रिक्वायरमेंट ही क्यों डालते हो, है ना। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है और सच में बता रहा हूँ गाइस, एक्टर्स को बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने अपना प्रोफाइल भेजा, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझसे लोग पूछते भी हैं, क्या सर मैं पूछूँ सर कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, है ना। क्योंकि एक रिक्वायरमेंट डालते हैं, हज़ारों ऑप्शन आ जाते हैं, तो किसको किसको बोलेंगे यार भाई कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, आपका इसलिए नहीं हुआ, आपका उसलिए नहीं हुआ। जिसको होता है उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको तुरंत कॉन्टैक्ट भी करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने काम भी किया होगा, जब भी आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सामने से कास्टिंग डायरेक्टर आपको कॉल करेगा, जो भी है आपसे पूछेगा, सर आपका बजट क्या है, आप उस डेट पे अवेलेबल हैं कि नहीं है। इसके बाद वो आपका नंबर प्रोडक्शन हाउस में भेज देगा, फिर वहाँ से कॉल आने स्टार्ट होंगे कॉस्ट्यूम वाले के कि सर कपड़े में क्या ऑप्शन है, लोकेशन कॉल टाइम वगैरह आ जाएगा कि कितने बजे आना है, एड्रेस वगैरह आ जाएगा, जिसने शूट किया होगा उसको पता भी होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो सिलेक्ट होता है। लेकिन बुरा मुझे उनके लिए लग रहा है कि जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, वो सोचते रहते हैं यार मैं सिलेक्ट नहीं, क्यों नहीं हो रहा हूँ मैं, मेरे अंदर क्या खराबी है। अब हज़ार लोगों को प्रोफाइल भेज दिया आपने और आपका कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप सोच रहे हो यार कहीं यार मैं बुरा तो एक्टर नहीं हूँ। यार हो सकता है वो जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप फिट नहीं हो। और हाँ, ये मुझसे भी किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, सर ये मैं कैसे समझूं कि मैं कब फिट हूँ कब नहीं हूँ। तो भाई, जब भी कास्टिंग डायरेक्टर जो भी रिक्वायरमेंट डालता है, एक पर्टिकुलर लुक के हिसाब से डालता है कि इस लुक का बंदा चाहिए। अगर उन्हें कॉलेज गोइंग बंदा चाहिए 15 से 20 साल के बीच में, तो वैसा ही लेंगे, उसके बाल बड़े होने चाहिए, कर्ली होने चाहिए, फेयर होना चाहिए, कुछ इस टाइप का रिक्वायरमेंट वो पोस्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से वो बंदा जो है कैरी करते हैं, उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं। तो हो सकता है आप उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहे हो, तो इसमें बुरा मानने वाली बिल्कुल बात नहीं है। इंडस्ट्री में बहुत काम है और हर लुक में काम है, आप किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो।
आप जैसे हो वैसे ही रहो, वैसे ही काम मिल जाएगा। बस अगर आपको काम करना है तो सिर्फ अपनी एक्टिंग पे और अपनी प्रोफाइल उनको प्रोफेशनली भेजना है। इरिटेट नहीं करना है, हाय सर, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सब नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफाइल कैसे भेजना है। अच्छी से प्रोफाइल भेजो, मैंने वीडियोज भी बनाया, देख लो यार, अच्छी से प्रोफाइल भेजो बिना हाय हेलो के, बस डायरेक्ट वो भेज दो। अगर आपके लायक काम होगा वो खुद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आप समझो ना कि कास्टिंग जो कोऑर्डिनेटर है या डायरेक्टर है आपसे 25% 20% 10% कमीशन लेता है, उसको कमीशन मिल रहा है आपसे, जो प्रोडक्शन हाउस में बैठे उसको वहाँ से सैलरी मिल रही है, तो वो खुद अच्छे एक्टर ढूंढते रहते हैं, है ना। अपना प्रोफाइल भेज दीजिए, आपको अच्छा होगा, वो सिलेक्ट करके रख लेंगे। इस प्रोजेक्ट में नहीं दिया तो अगले प्रोजेक्ट में आपको काम दे देंगे वो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार सोचते रहोगे ना यार कि उसी रिक्वायरमेंट पे अटके रहोगे, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा होना चाहिए था, उससे पूछोगे सर मुझे आपको कम से कम रिस्पॉन्स तो देना चाहिए यार। अगर हर रिक्वायरमेंट में आपने ऐसा किया ना तो मैं बता रहा हूँ गाइस, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, लोग रिप्लाई नहीं करते। एक्टर को बहुत ढीठ होना पड़ता है, बहुत पेशेंस वाला होना पड़ता है और बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि नहीं मुझे काम आता है, मैं अच्छा एक्टर हूँ, मुझे काम मिलेगा। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी कि कास्टिंग डायरेक्टर क्यों रिप्लाई नहीं करते हैं। और कई बार कुछ लोगों का कहना है कि सर क्या करते हैं कि हम प्रोफाइल भेजते रहते हैं, एक रिक्वायरमेंट आई उस पर प्रोफाइल भेज दिया, दूसरा रिक्वायरमेंट आया उस पर प्रोफाइल भेज दिया सेम डेट पे, है ना, कि आज जो जो तारीख है मंडे को ये काम है, मंडे को मैंने दो लोगों को हाँ बोल दिया कि यार मुझे तो काम मिलता नहीं है, क्या पता कहीं से मिल जाए। तो कभी कभी क्या होता है ना, दोनों जगह से आप फाइनल हो जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में एक्टर फंस जाता है फिर। तो ये सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा। अगर आप दूसरा काम ले रहे हो तो उनसे पूछो, कास्टिंग डायरेक्टर से, क्या इस डेट में मैं फ्री हूँ, तब आप दूसरा काम लो। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो तो कह रहे हैं यार मेरे पास सिंगल काम नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो एक दिन में दो दो काम, लेकिन ऐसा होता है आप आगे चल के जाओगे काम करोगे, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार कॉल आएंगे एक दिन के लिए। जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उनके पास डेट्स नहीं होती हैं। और हाँ, ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि अगर हज़ार जगह प्रोफाइल भेज चुके हो और कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप अपनी एक्टिंग में काम करो, अपनी प्रोफाइल पे काम करो अच्छे से। अच्छी फ़ोटो, हाँ फ़ोटो का टॉपिक बड़ा अच्छा निकल के आया, लोगों ने बोला कि फ़ोटो मैं कैसी भेजूँ। यार फोटो बहुत सिंपल से नॉर्मल भेज दो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक क्लोज शॉट जिसमें आपका चेहरा दिख रहा हो, एक मिड शॉट कमर था, और एक फुल लेंथ फ़ोटो, तीन या चार फोटो भेज दो, बस इतना काफ़ी होता है। जब तक कि वो खुद ना बोले कि सर मुझे इस ड्रेस में और अपनी फ़ोटो भेजिए, जब तक वो खुद ना बोले तब तक नहीं भेजना है। लोग क्या करते हैं 15-20-25 फोटो भेजते चले जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स, लड़कियाँ क्या कहती हैं इंडियन में ऐसी दिखती हूँ, वेस्टर्न में ऐसी दिखती हूँ, अरे वो नहीं देखना चाहते यार, उनको देखना हो वो बोल देंगे कि अपनी फ़ोटोज़ भेजो। अभी तो आजकल कोऑर्डिनेटर सिर्फ वीडियो बोले, हमको वीडियो चाहिए, हमें फ़ोटो चाहिए ही नहीं। तो जब तक वो बोले ना तब तक फ़ोटो मत भेजो। और प्रोफाइल का रिटन डिस्क्रिप्शन, कैसे प्रोफाइल बनाया जाता है, वो मैंने आपको बताया है। तो ये कि अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो कि काम मिलेगा और काम मिलता है। कास्टिंग डायरेक्टर को कैसे ढूंढना है, इंस्टाग्राम पे सब मिलता है भाई, सब मिलता है। किसी भी कास्टिंग एजेंसी में चले जाओगे कि ये नंबर मुझे चाहिए आपका, तो वो दे देते हैं। बस आप में देखना चाहिए आप प्रोफेशनल एक्टर हो कि नहीं है, शौकी एक्टर नहीं लगने चाहिए। आपका जो बात करने का स्टाइल है ना, आपका जो टोन है, वो टोन ही पकड़ लेंगे वो लोग कि हाँ भाई आप एक्टर हो। कास्टिंग डायरेक्टर बहुत पारखी आदमी होता है, वो देख के समझ जाता है कि आपको कितना टाइम हुआ है। और वहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी ऑडिशन देने जाते हो इंट्रो में वो पूछता है कि आपको एक्सपीरियंस क्या है, आप बोल देते हो हमने 5 साल थिएटर किया है, जबकि आपने ठीक से 5 महीना भी नहीं किया होता है। तो ये चीज़ें मत बोलिए, जो सही है वो बताइए। और सबसे पहली बात, तो अगर किसी को व्हाट्सएप कर रहे हो किसी नए कास्टिंग डायरेक्टर को, उनको सीधा प्रोफाइल भेजने की जगह इतना लिख दो, हाय आई एम एन एक्टर और मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतना इतना काम किया है, नहीं किया तो मैं फ्रेशर हूँ, यहाँ से सीखा हूँ और काम करना चाहता हूँ, तो शुड आई सेंड यू माय प्रोफाइल। एक बार उनको पूछ लो, वो खुद बोलेंगे कि हाँ भाई अपनी प्रोफाइल मुझे भेज दो, तब उनको भेजो। जो करियर गाइडेंस होता है ना, वो मैं आपको देता रहूँगा, प्रॉपरली दे दूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्टार्टिंग में जो बंदे आते हैं उनको नहीं पता रहता इंडस्ट्री के बारे में, नॉलेज नहीं रहती है कि क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, कैसे काम होता है। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं टाइम आपको दूंगा ना कि इस टाइम पे मुझे मैसेज करो या कॉल करो, उस टाइम पे करना मुझे मैसेज, बस इतना ध्यान रखना। और जो भी क्वेश्चन है, मुझे कुछ कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पड़े थे, मुझे याद नहीं आ रहे अभी सारे। फिट वाला एक क्वेश्चन था, एक ने पूछा था कि सर मैं प्रोडक्शन हाउस को कैसे कॉन्टैक्ट करूँ। भाई इतना सिंपल है, प्रोडक्शन हाउस आप गूगल पे जाके डाल दोगे ना, टीवी प्रोडक्शन हाउस या फिल्म प्रोडक्शन हाउस, तो वो आ जाएगा, उसका नाम लिख के गूगल मैप पे डाल दोगे, एड्रेस आ जाएगा, आप पहुंच जाइए वहाँ से, नंबर ले आइए,
और वहाँ जाने से तो अच्छा है कि आप वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट कीजिए, अपने प्रोफाइल भेज दीजिए। अच्छा, एक टर्म आता है शॉर्टलिस्ट ऑडिशन। आप जैसे बहुत जगह जाते होगे तो वहाँ पे बोलते हैं कि शॉर्टलिस्ट ऑडिशन चल रहा है। तो ये शॉर्टलिस्ट ऑडिशन क्या होता है? जब भी आप अपनी प्रोफाइल उसको भेजते हो, तो मान लो आपने एक सेल्फ वीडियो अपना एक्टिंग का बना के उनको भेजा है, उनको अच्छा लगा, आपका लुक अच्छा लगा, आपकी एक्टिंग अच्छी लगी, और कोई कैरेक्टर वो रिक्वायरमेंट आई है तो उन्होंने देखा यार ये बंदा कर सकता है, चलो अपना ऑडिशन, अपनी स्क्रिप्ट पे ऑडिशन इससे करवा के देखते हैं। तो वो बुलाते हैं आपको अपने कैरेक्टर के लिए, शॉर्टलिस्ट करके, मतलब सिलेक्ट करके बुलाते हैं। एक राउंड आपका पास हो जाता है, सेकंड राउंड के लिए बुलाते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्टलिस्ट ऑडिशन। जहाँ इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे प्रोफाइल भेजना चाहिए, कैसे उनको ढूंढेंगे, कैसे उनके नंबर्स कलेक्ट करेंगे, कैसे उनको प्रोफाइल भेजना है, और उनको इरीटेट नहीं करना है बार बार मैसेज कॉल करके, और एड्रेस कैसे ढूंढ सकते हो प्रोडक्शन हाउस के। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपका जवाब दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। और उसके बाद ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइस गाइड करने वाला हूँ, और इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट ही किया है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक दे दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नए एक्टर तक शेयर कीजिए जो भी भटक रहे हैं काम पाने के लिए, और जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और आगे आने वाली वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं हम अपने वीडियो में और भी ढेर सारी नॉलेज के साथ, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।